का बुजुर्गों ने इतनी बड़ी घटना घटित होती है, मातम इस गांव में है, इस गांव के लगभग हर परिवार के लोग, मुझको लगता है कि कोई नहीं होगा जो इस गांव में इसकी आंख में आंसू इस बहन को देख के नहीं, इस पिता को देख के नहीं, उस बच्चे को ले। और उसके बाद प्रशासन अन्य चीज़ों में सजग हो जाती है। सोशल डिस्टेंस के नाम पर आप आम आदमी की आवाज़ को दबा रहे, उसके अधिकार को छीन रहे, लगातार आप गलत तरीके से आप लोगों को धमका करके केस कर रहे। और जब अपराधियों का सवाल आता है तो मुझको लॉकडाउन के तहत के बीच में 6 दर्जन से ऊपर घटना घटी है, मौतें हुई हैं, मर्डर हुआ है बिहार में। लगभग ज्योति बसु, एक बसु जी थे, शरद चंद्र बसु एक्स मुखिया थे खगड़िया की, उसकी हत्या हुई। रामानंद यादव गैंगरेप वार में मारा गया खगड़िया में। अभी एक यंग लड़का था जिसको एक मंत्री के कार दबाव पर पुलिस और अपराधियों ने मिल के मार दिया बेगूसराय में। परसों जब हम मोकामा गए तो 2 महादलित फैमिली को मारते मारते मार दिया। लगातार राजनीतिक हत्या सरकार के नाक के बाल विधायक लोगों के द्वारा कर दी जाती है। आदमी आखिर किससे किससे लड़े? ट्रेन के मौत से लड़े, सड़कों के मौत से लड़े, भूख के मौत से लड़े, कोरोना वायरस के मौत से लड़े, क्वारंटाइन के मौत से लड़े, कि सत्ता संरक्षित और पदाधिकारी संरक्षित अपराधियों और माफियाओं का जो मनोबल बढ़ा हुआ। जून महीने में मैं इनको बताऊंगा कि इन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। 24 मार्च 29 जनवरी को पहला केस हुआ और इन्होंने 15 लाख लोगों को 24 मार्च तक पूरे देश में बुला के परोस दिए। नमस्ते ट्रंप में 750 लोग को ये जमात के साथ लाए और इन्होंने बाराती की तरह परोसा। इनको सबसे पहला काम करना चाहिए था होली के पहले पूरे देश के 7 करोड़ 22 लाख मजदूरों को इनको स्टेट में भेज देना चाहिए और सारे बच्चों को उसके घर भेजना चाहिए। लेकिन ये तो विश्व गुरु, कभी कोई गुरु न नेपाल समर्था, न बांग्लादेश समर्था, न इकोनॉमी संभलती, न इन्होंने किराना भाड़ा माफ़ किया, न इन्होंने 7,000 रुपया अकाउंट में दिया, न इन्होंने बिजली पानी का बिल माफ़ किया, न इन्होंने रब्बी के फसल पर कोई चर्चा की, न इन्होंने 31 मई के पहले जो डिमांड था मेरा किसी भी कीमत पर बीज और खाद का आप 15,000 रुपया हर किसानों को आप उसके घर पहुंचाई, ना उस पर चर्चा किया, न मनरेगा को 300 दिन बढ़ाया, न मनरेगा को 300 रुपया किया। 20 लाख करोड़ में 20 रुपया इन्होंने और प्रवासी मजदूर के बाहर मनरेगा को, अब ये कह रहे हैं। इतनी थेथरलॉजी, इतनी दुष्टई, इतनी बेशर्मी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अब कह रहे हैं कि मैं पहले तो मजदूर को आने से रोका, पहले 37 दिन के बाद इन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं लाऊंगा कहां से। मैं अरविंद केजरीवाल से 3 बार मिला, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से 7 बार बात की, राजस्थान के मुख्यमंत्री से 3 बार हम और रंजीत रंजन बात किए। इन्होंने तो छोड़ दिया था मरने के लिए। इसीलिए जो घटना घटित है, जनता इनको पता है कि इस मौत से नोटबंदी हो गई मस्त हो गए, ले लिया वोट, GST हुआ पूरा कोलैप्स कर गया, ले लिया वोट। इनको लगा कि 16 तारीख को पूरा देश में सुन हो जाएगा, कोरोना वायरस इकोनॉमी हमारी किसी तरह सुधार लेंगे, फिर हम कहेंगे हम तो बाबा हैं। इसको पता ही नहीं था कि दुनिया के 7वें नंबर पर हम पहुंच जाएंगे। जून जुलाई बाकी है और इन्होंने जब इनको लॉकडाउन करना चाहिए तो अनलॉकडाउन बंद कर दिया। जब मजदूर के पेट पर लात पड़ी तो इन्होंने कहा जान है जान है, और जब नेता और पदाधिकारी के पेट पर लात पड़ा तब इन्होंने मधुशाला खोल दिया, 700% उस पर टैक्स बढ़ा दिया और कहा अब तो बाप मर गए हम, अब तो पैसा नहीं है पदाधिकारी को दे। मतलब है कि जब नेता के बेटी और बीवी और बच्चा को भूख लगी तो मधुशाला खुल गया, सोशल डिस्टेंस समाप्त हो गई, लाखों की भीड़ रोड पर थे। और जब मजदूरों के पेट पर लात पड़ा और लाठी चल रही थी तब जान है तो जहान इनको नजर आ रहा था। यह सवाल है,
और ये लड़ाई है, इसीलिए मुद्दा यह है जन क्रांति और मजदूर क्रांति। डिजिटल लड़ाई, ये वर्चुअल लड़ाई लड़ने जा रहा है ना। इतना बड़ा दुष्ट इंसान, इतना बड़ा गंदा सिस्टम मैंने अपने लाइफ में, चारों तरफ भूख और 18 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाए, लाश पड़ा हुआ हो, मौत का चारों तरफ आलम हो, और वर्चुअल रैली ये 7 को करेंगे, और नीतीश कुमार 72 दिन के बाद अपने कोप घर से निकले, इतना बड़ा नमक हराम, इतना बड़ा क्या कर रहे थे ये नेता लोग, लॉकडाउन में कर क्या रहे थे। जब हन कर्मचारी, सफाई कर्मचारी काम कर रहा था, इन लोगों को कोरोना वायरस का डर क्यों था। ये 712 राज्यसभा लोकसभा एमपी अपने घर में क्या कर रहे थे, इसको मुस में फंसे हुए थे। इन लोगों का हस्त्र मैंने देखा है, इसीलिए आप उसकी चर्चा ना करिए। थक गए इस घटना में, आपको तुरंत न्याय की दिखेगा, मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूं। मुझे कष्ट है कि एक बच्चा था वो खो दिया, बहन ने अपनी भाई खो दी, पिता ने अपने सहारे को खो दिया, और समाज ने एक अच्छा लड़का खो दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।